बाबा जी हमने ना अपने शरीर पे ही मंत्र लिखवा लिया, फिर चाहे वो कहीं से भी आ जाए खुद ब खुद मंत्र पड़ेगी और भाग जाएगी। हाँ बाबा जी हम आ गए। ये वही पेड़ है जिस पे वो माधुरी चुड़ैल रहती है। हाँ अरे लेकिन हाँ बाबा जी हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। हाँ बाबा जी को डरा कर दिखाओ तब मानेंगे चुड़ैल। हाँ आओ चल कर देखते हैं तुम्हारे बबुल को। चलो। अरे कुछ नहीं होगा हमें, हमने महाकाल का टीका और उनके बाबू का रुद्राक्ष धारण कर रखा है। हमारा भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए डरो मत और चलो। तो तुम ही हो माधुरी चुड़ैल जिसने चंपूर के गांव वालों का जीना हराम कर रखा है। याद रखना मैं तुम्हारा खून पीना हराम कर दूंगा, खून पीना। अरे इन मासूम गांव वालों को क्या डराती हो? अगर हिम्मत है तो सामने आओ, हमें डरा कर दिखाओ। तुम्हारे मैंने तुम्हारे इस बरगद के पत्तों को गंजा ना कर दिया ना तो मेरा भी नाम बाबा, क्या नाम है? हाँ भाई हमारा नाम बाबा बड़बड़ भोलेनाथ नहीं। हाँ अगर हिम्मत हो तो चली आना, इसी गांव में रुके हैं हम। उम्र 32 और सीना 36, बाकी का जो भी नाम लेना हो आकर अपने हाथ से ले लेना। सुना चुड़ैल? लगता है डर गए। चलो खबरदार उसे छूना मत, ये कोई मामूली कांटा नहीं, ये इस चुड़ैल के लंबे नाखून है जिसे इसने इतने सालों से कटवाया नहीं है। हाँ लंबे नाखून, ये चुड़ैल सबको बेवकूफ बना सकती है लेकिन हमें नहीं बना सकती। क्या है कि हम बाबा जरा हट कर है ना, घूर क्या रही है, नजर नीचे। बाबा जी आज सुबह ही इस चुड़ैल ने मेरी दादी को डरा दिया, मेरी दादी डर से थर थर कांप रही थी। तूने इस लड़की की क्या क्या नाम है तुम्हारा? साधना। साधना अब तूने साधना की बूढ़ी दादी को डराया? तुझे कोई जवान नहीं मिला? आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा तेरी, गोटियां समझी तू? आज के बाद अगर तूने किसी भी गांव वाले को डराया, खास तौर पर मेरी साधना को, मेरा मतलब है इस गांव की साधना को, हां इससे तो हम बाद में निपटेंगे, पहले चलकर उस जगह को देख लेते हैं जहां हमें रुकना है। क्यों सर है ना, चलो।